सो गाइस आरसी 390 वर्सेस आरसी 200 की ड्रैग होने वाली है अभी। देखते हैं कौन आगे निकलता है, आरसी 200 या आरसी 390। आइए सर। ओके लेट्स डू इट। पाँच रुपये गए जिसके चले। आपको टाइम दे देता हूँ मैं, आप लॉन्च करो। बराबर छोड़ूंगा, होगा थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड गियर। ओ भाई मेरी आ गई भाई क्या गए। तो गाइस कल हम ड्यूक 390 वर्सेस आरसी 390 करेंगे, मजा आएगा कल ड्रैग मारने में। तो गाइस एक स्ट्रेट स्ट्रेच मिल गया, अब यहाँ पे ट्राई करते हैं। अब करना प्रॉपर लॉन्च, प्रॉपर लॉन्च बराबर। तो आरसी 200 वर्सेस आरसी 390। दोनों बराबर थी, जैसा सेकंड गियर शिफ्ट हुआ आरसी 390 निकल गई। मतलब फर्स्ट गियर में भाई आरसी कमाल है, एक्चुअली उसका वेट कम है, इसका वेट ज़्यादा है। फर्स्ट गियर में सेम ही थी है ना। हाँ हाँ सेकंड में निकल गई है, बढ़िया यार। टाइम है शायद, पंगे नहीं ले सकते, बहुत फिट करवाते हैं टायर्स को। शिट यार हेलमेट के अंदर कुछ चला गया, फिट शिट वाह। हनी भी थी यार, हनी भी घुस गई मेरे हेलमेट के अंदर। तो गाइस बाइक हो चुकी है पंचर, और पंचर मैं आपको अभी दिखाता हूँ कहाँ जैसे हुआ है। पहले इसको न्यूट्रल कर देते हैं, नया अपोलो पंचर हो गया भाई। तो ये चीज़ सेकआउट करो, ये कील घुसी है भाई इसमें, और हवा कम हो गई है टायर में, यहाँ से लीक कर रहा होगा ये भाई। टायर देखो यार कितना बड़ा लग रहा है, फक हो गया भाई टायर पंचर। कील लाए है ना, कील भाई घुस गई है पूरे टायर में। बड़ी है कील,
ये चीज रिकॉर्ड करो भाई, ये तेल घोषित थी फाड़ दिया भाई इसने टायर। तो यहीं पे साइंस में किसी और का ना पंचर कर दे बाइक की। तो फाइनली थर्टी फाइव रखना 35, तो प्रेशर में 35 रखता हूँ, और अगर लीनिंग वगैरह करनी हो तो 32, और फ्रंट में 28 अगर लीनिंग करनी हो तो, पर नॉर्मली 30, 32 या 35 इतना चलता, पीछे 35 आगे 30 या 28 इतना मैक्स। गॉड गर्मी से हालत ख़राब हो गई, ऊपर से टायर पंचर। चेक कर लेना पानी लगा के, अरे ये बड़ा गंदा सा लग रहा है अभी, है ना? आप लगेगा घिस जाएगा बाद। हाँ घिस तो जाएगा, एक दो व्हीलीज आई नहीं तो वो मारो बर्नआउट मारो गया तो टायर बाकी भी घिसेगा ना। पैसा है पर उड़ाना थोड़ी है ऐसे। ओके डन, इसको वॉश करवाते हैं, नीचे से पूरी गंदी हो गई है देख लो। तो अभी इसको बढ़िया से वॉश करवा के शाइन वगैरह मरवाते हैं। और तो गाइस यहाँ पे वॉश हो गई बाइक डन, आज तो पॉलिश वगैरह बजवाएंगे इनमें ना। तो अभी हम बैठ जाते हैं फट में और बाइक को वॉश ठंडा होने देते हैं, बोला कूल डाउन होगी एकदम, इंजन हीटअप हुआ है अभी नहीं करवाएंगे इनको वॉश, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद करवाते हैं। ऊपर से गर्मी इतनी है, सूरज बिल्कुल सर पे। मैम बाइक वॉश हो रही है, फाइनली बॉयज बाइक हो चुकी है बिल्कुल ट्रैक रेडी, पूरी वॉश हो चुकी है इस टाइम खतरनाक ही, एंड शाइन आप देख ही रहे हो कितनी खतरनाक शाइन आ रही है। ओह गॉड अभी इस ट्रैक मशीन को अपने ट्रैक पे लेके चलते हैं। ओह गॉड गर्मी, ओके ट्रेन बाइक चलाने का लग ही मज़ा। बढ़िया लग रही है भाई, क्लीन बाइक यार सेक्सी लगती है। सो गाइस फाइनली बाइक्स में हमने चेन लूप करा हुआ है अभी, सो ये जी चेकआउट करो, एंड हालत हो चुकी है टाइट, हमने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया, एंड ये हूँ मैं, शक्ल देख रहे हो मतलब बेहाल हो चुकी है, एंड बहुत मज़ा आ रहा है यार 390 को इतनी हीट वाले रोड पे चलाने का।
और कल हम जा रहे हैं ड्यूक 390 लेने, और ड्रैग रेस की वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कर दो। ड्यूक 390 वर्सेस आरसी 390 BS4 वर्सेस BS7 है शायद, वो है ना BS6। सो भाई ले रहे हैं, भाई को कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दो पहले ही कमेंट्स में। ये बंदा ले रहा है भाई, ये बंदा जो वहाँ पे जब वॉश करा थे वहाँ पे जो बैठा है, ये बंदा ले रहा है ड्यूक 390। सो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सो इसे वेयर हेलमेट एंड गुड बाय टाटा। हेलो सब्सक्राइब कर लो यार, सीरियसली कर लो। 30K, 50K, 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 50K,